दोस्तों 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल को 2019 को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों वीडियो यार पूरी ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छी ना लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना है, लाइक करना है या मत करना है, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, ताकि जो बाकी जो लोग हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में वो भी पढ़े। ठीक है, दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अमृतसर, और अमृतसर आए कोई अमृतसर गुरुद्वारा आता है और जलियांवाला बाग ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमृतसर गुरुद्वारे गोल्डन यानी कि गोल्डन टेंपल के ठीक बिल्कुल बगल में जो मेन गेट है उससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो जलियांवाला बाग है। लेकिन मेरा जो यहाँ आने का मकसद है वो कुछ और है, मतलब साथ में है वो तो है ही है, लेकिन कुछ और है। कुछ और क्यों है मैं बता दूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो बहुत सारे लोगों की जो हत्या की गई थी 13 अप्रैल 1919 को, उस हत्याकांड को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो घटना ये जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, तो और इस बार 13 अप्रैल 2019 है, तो इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरा मकसद था यहाँ पर मुझे ज़रूर घूमना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। जलियांवाला बाग सभी को पता, हत्याकांड पता है सभी को पता, ऊपर क्यों हुआ था कैसे हुआ था ये थोड़ा सा मैं रोशनी डाल देता हूँ और बहुत जल्द मतलब शॉर्टकट में बताऊँगा ज़्यादा जितनी जानकारी मेरे पास है। दोस्तों हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी, और बैसाखी का दिन जो है पंजाब में क्या महत्व रखता है या सिखों के लिए क्या महत्व रखता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, उस दिन क्या था ये जलियांवाला बाग जो था, तो बैसाखी के दिन बहुत लोग मतलब गोल्डन टेंपल में जो है दर्शन के लिए आए हुए थे, मत्था टेकने आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। इसी जलियांवाला बाग में जो है एक मीटिंग थी, और मीटिंग जो थी वो थी कोई रॉयल एक्ट उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। रोलेट एक्ट क्या था ये मुझे मालूम नहीं है, आप गूगल तो रोलेट एक्ट जो लगाया था उसके विरोध में जो है यहाँ पर एक सभा थी छोटी सी, उस सभा में भी काफ़ी लोग आए हुए थे,
तो उस सभा में काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये जो पार्क जो है यहाँ बहुत छोटी, जो इसका एंट्रेंस जो है वो बहुत छोटी है, जो आपने देखा होगा, जैसे मैं भी आया हूँ आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत छोटा जो है उसका एंट्रेंस है, तो उसी से लोग आते हैं। और बाहर जाने के लिए भी वही है, दूसरा भी होगा तो मुझे दिखा नहीं। और इसमें जो है बताया जाता है कि पहले भी जो है बड़ी बड़ी दीवार और चारों तरफ इसके जो बड़ी बड़ी दीवारें थी, ऊंची ऊंची भी थी बताया जाता है। तो क्या हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी लोग जो गुरुद्वारे आते हैं तो वो यहाँ पर ठहरते हैं, बैठते हैं, उस समय भी ऐसे ही था। तो यहाँ पर आए थे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर उस समय लोग थे। 13 अप्रैल 1919 को तो यहाँ पर मीटिंग थी। तो जनरल डायर था, एक ब्रिटिश सरकार का जनरल डायर था, जो एक्ट लगाया था उसका समर्थक था और बहुत ही खूंखार बताया जाता है। तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ जनसभा और थी तो डायर जो है अपने लगभग 90 से 100 सैनिकों के साथ पहुँचा और यहाँ हज़ारों की भीड़ पे उसने क्या किया, ना तो उनको चेतावनी दी कि भाई आप सभा कर रहे हो तो आप सभा मत कीजिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि उस समय जो है हालात भी ख़राब थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, उस 2 दिन पहले से लगा हुआ था कर्फ्यू जैसे मुझे पता है। लेकिन तो जनरल डायर यहाँ अपने 90 सैनिकों के साथ आया और बिना वार्निंग, बिना किसी उसके, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोस्तों उन गोलियों से जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष भी शामिल थे, ब्रिटिश सरकार के अनुसार 350 से 400 लोगों की हत्या हुई, मौत हुई थी यानी कि। और मैं तुम्हें बता दूं, ये ब्रिटिश सरकार के अनुसार है, अगर जो उस समय की कांग्रेस है या उस समय के लोग जो हैं उसमें बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय 350 से 400 की ही पुष्टि की थी। तो यहाँ पर जो है अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई, ना महिलाओं को देखा गया, ना बच्चों को देखा गया और किसी को नहीं देखा गया, ना ही किसी को बाहर निकलने का मौका दिया, क्योंकि बाहर जो निकलने का रास्ता था वहाँ पर वो डायर के जो वो थे ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश पुलिस के जो थे जवान वो खड़े हुए थे। तो सबको यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जो कुछ लोगों ने जो ऊंची दीवार थी उससे भागने की कोशिश की गई, उन पर भी क्या नाम गोलियाँ चला दी गई। और कुछ महिलाओं ने तो जो है, यहाँ पर एक कुआँ है जिसको आज शहीदी कुआँ कहा जाता है, कुछ महिलाओं ने जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी, लेकिन उसमें उसकी मौत हुई। और बताया जाता है लगभग 120 शव जो है वो उसी कुएं में से निकाले गए थे। और टोटल जो है 1650 राउंड यहाँ फायरिंग की गई थी। और बताया जाता है कि जब तक अंग्रेज़ों की गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई जब तक यहाँ पर फायरिंग चल रही थी। तो ये है, हालांकि बाद में जो है क्या ब्रिटिश सेना ने माफ़ी मांगी या नहीं मानी क्या है वो बात की बात है। तो अब इसको जो है 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए अब मैं आपको पूरा इसे जलियांवाला बाग को घुमाता हूँ और दिखाता हूँ वो शहीदी कुआँ और जो आज भी क्या नाम गोलियों के निशान जो क्या नाम आज भी दीवार पर है वो भी दिखाता हूँ। और एक यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है, शहीदी म्यूजियम, वो भी बताया जाता हूँ। ये है शहीदी म्यूजियम, यहाँ पर कुछ शहीदों के बारे में बताया गया है।
चलेगा जब तो दोस्तों यही वो कुआं है जिसमें ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों ने अपनी जब हमला हुआ था तो जान बचाने के लिए इसमें छलांग लगा दी थी और इसमें से लगभग जो है 120 शव निकाले गए थे। उसके बाद से इसको शहीदी कुआं कहे जाने लगा जो आज भी ये मौजूद है। दोस्तों ये वो दीवार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पर आज भी गोलियों के निशान हैं जो बयां करते हैं कि ये वो जो हत्याकांड था वो कितना खतरनाक और कितना भयावह था। इस पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद है दीवार पर। अच्छा
इतना खूंखार वो मंजर होगा कि सोचो यार, एक निहत्ती पब्लिक पे जो है एकदम जो है गोलियाँ बरसा देना, महिलाओं बच्चों को भी ना छोड़ना, कितना खूंखार हो। वाकई में बहुत खूंखार, बच्चे यार, बच्चे बड़े छोटे सब थे इस जब यह हत्याकांड हुआ था। और आज 13 अप्रैल 2019 को ये 100 साल होने जा रहे हैं। सोच के भी मेरा तो जो है ना यार एकदम जो है ना मन जो है ना ऐसा हो गया कि क्योंकि एक फ़ोटो मैंने वहाँ देखी, पहले भी पढ़ा था लेकिन यहाँ आया हूँ दीवार पर देखें तो दिल ऐसा करता है साला क्या कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो बुरा करता है उसका अंत जरूर होता है। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड ने वो भी साबित किया है दोस्तों। जिस समय यहाँ पर इस उसको अंजाम दिया गया, बताया ये जाता है कि उधम सिंह सरदार उधम सिंह को तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है यार उधम सिंह को। उधम हालांकि सभा में कुछ लोग थे, बाकी सब लोग यहाँ जो है घूमने आए हुए थे अमृतसर गुरुद्वारे से, यहाँ पर जैसे अब हम आए हैं इसी तरीके से। तो उधम सिंह बताया ही जा रहा है कि उधम सिंह जो है यहाँ पर उस मीटिंग में जल सेवा दे रहे थे, लेकिन उस हमले में वो बच गए थे। उन्होंने बदला लेने का ठानी और 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी हुकूमत और जनरल डायर का ये मानना था कि हत्याकांड से जो है लोग डर जाएंगे, लेकिन डरे नहीं बल्कि और ज़्यादा पूरा देश आंदोलित हो गया। इसमें पूरे देश में जो आंदोलन इस हत्याकांड के बाद, लोग डरने की बजाय और ज़्यादा जो है पूरे देश में आंदोलन हो गया और उसमें से अलग अलग हीरो निकले, जिसमें से एक हीरो का नाम है शहीद भगत सिंह। जी हाँ, शहीद भगत सिंह। और ये कुछ लोगों की तस्वीर है जो उस समय शहीद हुए थे। ये कुछ लोग थे जो उस समय शहीद हुए थे, जिनको मौत के घाट उतार गया था। शहीद उधम सिंह तो इन दो हीरो ने साबित किया है कि जिसने गलत किया है या जिसने भी मौत के घाट किसी को उतारा है किसी गलत मंसूबे से, उसका हमेशा अंत हुआ है। और दोस्तों एक ये बहुत ही जलियांवाला बाग के स्मृति के तौर पर इधर ये एक लोग बनाई गई है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं।